So good morning everyone. Today we will do forms of verb and picture composition. Okay, so forms of verb are clear to you. Second class mein aapne forms of verb kare the. How many forms of verb are there? Tell me, who will tell? How many forms of verbs are there? Okay, Anish Malhotra. Okay, unmute yourself. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बच्चे. हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर देयर? आपको सेकंड में करवाया है. यस, गरिमा शर्मा इज शोइंग द आंसर विद द साइंस. यस, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर देयर. ओके, द फर्स्ट टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब पास्ट एंड प्रेजेंट. प्रेजेंट एंड पास्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो प्रेजेंट शो करती है, और दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पास्ट शो करती है. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होता है. लेकिन अभी आपको जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट ये हैज हैव हैड के साथ यूज होती है. ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू द स्लाइड नाउ. I was knowing this thing yet you people will start spoiling the screen. No problem. Chaliye. Yes, students. Okay. So students, these are the forms of verb. Okay, first of all I want to tell you that what is a verb. We will revise this. What is a verb? Verb kya hota hai? What is a verb? Yes, let me show you the slide. Yes, what is verb? Okay, verb क्या होता है? Action words or doing words are called verbs. Is it clear to everyone? सबको ये चीज clear है? Action words or doing words are called verbs. They tell us what someone or something is doing. ठीक है, कोई चीज या कोई person या कोई चीज क्या कर रहा है. Okay, so that is called verb. Okay. और वर्ब हैज थ्री फॉर्म्स. वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, मतलब काम करने का तरीका. वर्ब मतलब काम करना, एक्शन वर्ड. और काम जो किया जाता है, ठीक है, वो थ्री टाइप से होता है. एक तो जैसे आई टीच यू, आई टॉट यू, मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती थी, मैं आपको पढ़ाऊंगी. ओके, बट ये जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, ये फर्स्ट जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो बताती है प्रेजेंट के बारे में. जो चीज डेली होती है, या हमारी हैबिट है, या यूजुअली फ्रिक्वेंटली होती है, उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. आपकी क्लास टू में मैंने ये सब आपको रिवाइज करवाया हुआ है. ठीक है, और सेकेंड फॉर्म सॉरी ऑफ वर्ब तब यूज करते हैं जब हमारा जो काम है वो काफी देर हो गई है हुए. ठीक है, जैसे कल रात को आपने खाना खाया, कल रात को आपने चपाती खाई, तो आप बोलोगे आई एट चपाती लास्ट नाइट. ओके, सो जो भी सारा पहले का काम हो गया होता है और उस काम को हुए बहुत देर हो गई है, उसके साथ हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल है. व्हाट इज द यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब? अभी आप यही माइंड में रखो कि हैज हैव हैड के साथ यूज होती है. एज आई हैव टेकन हियर एग्जांपल, आई ईट माय लंच एट 2 o'clock डेली. डेली मतलब डेली ये हमारा ऐसे ही होता है. डेली या यूजली या मोस्ट ऑफ द टाइम या फ्रिक्वेंटली, ठीक है, जो ऐसे एक्शंस होते हैं उनको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ शो करते हैं. जैसे आई ईट माई लंच, तो आई ईट खाता हूं.
ठीक है, ईट मतलब खाता हूं, सो ईट इज द वर्ब हियर. ओके, देन सेकंड पे है आई एट माय लंच एट 3 o'clock यस्टरडे, मैंने कल 3 o'clock लंच खाया. ओके, सो यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी है एट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी एट, मैंने कल 3 बजे लंच खाया. यूजली मैं 2 बजे खाती हूँ, ठीक है, मैंने कल 3 बजे लंच खाया, क्योंकि वो एक ही दिन हुआ है, ठीक है, खाया. अगर 3 बजे रोज खाते तो फिर आई ईट माई लंच एट 3 o'clock डेली, अगर ऐसे होता. अगर कोई पूछता है ओके व्हेन डू यू टेक योर लंच, आई टेक माय लंच एट 2 o'clock डेली या 3 o'clock डेली, ये आपकी हैबिट के बारे में पूछ रहा है. अब आप खाना कब खाते हो, ओके, देन वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, शो मी योर थम्स इफ दीज आर क्लियर टू यू. यस, आपको ये चीजें क्लियर थी पहले से ही, यस और नो? Yes, very nice, very nice. चलिए अब आपकी क्लास 3 में जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, लेट अस सी दोस फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ओके, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब्स आर देयर इन दीज स्लाइड्स. ओके, फर्स्ट जो आपका वर्ब है वो है एक्ट. एक्ट का मतलब होता है किसी चीज पे काम करना, कोई एक्शन लेना, ठीक है, उसको बोलते एक्ट. ओके, आई विल एक्ट अपॉन योर एडवाइस, मैं आपकी एडवाइस पे काम करूंगा. ओके, सो एक्ट का मतलब होता है काम करना, ठीक है, किसी चीज के लिए कोई किसी चीज के किसी चीज की सुजेशन पे कोई काम करना, एक्ट, ठीक है, एक्शन लेना. ओके, देन एग्री. ओके, आपके ये जो 32 फॉर्म वर्ब्स हैं जो हम आपको करवाएंगे, एग्री, एग्री का मतलब सहमत होना. डू यू एग्री, क्या आप मेरे साथ सहमत हो? सो दिस इज अ वर्ब, एग्री, अग्री, एग्रीड, एग्रीड. ओके, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टेड मतलब काम की, काम करना, करता है, एक्टेड मतलब काम किया, ठीक है. एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, एग्रीड, एग्रीड, सहमत हुआ, ठीक है. एग्री, डू यू एग्री विथ मी, डू यू एग्री विथ मी, आप क्या मेरे साथ सहमत हो जब हम किसी से बात करते हैं, और क्या मेरी बात ठीक है, इसके लिए हम दूसरे की सहमति मांगते हैं, तो हम बोलते हैं डू यू एग्री, क्या आप सहमत हो इस चीज से. सो दिस इज द वर्ड एग्री, सहमत होना, ठीक है. देन अपीयर, अपीयर का मतलब एकदम नजर आना, ठीक है, अपीयर होना, ठीक है, अपनी प्रकट होना जिसको हम कह सकते हैं एकदम से. आई अपीयर, ही अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पे अपीयर हुआ, अपीयर, ठीक है, प्रकट होता है, प्रकट होना, प्रकट होना, अपीयर्ड, के अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड. देन अराइव, अराइव का मतलब पहुंचना, ठीक है, अराइव, ही अराइव्स एट, ही अराइव्स टू स्कूल एट वेल ऑन, सॉरी, वेल ऑन टाइम, ठीक है, वो स्कूल टाइम पे पहुंचता है. अराइव्ड का मतलब पहुंचा, ही अराइव्ड टू स्कूल एट प्रॉपर टाइम, वेल इन टाइम, वो पूरे टाइम पे स्कूल पहुंचा. ओके, अवेक, अवेक का मतलब है जगते रहना, अलर्ट रहना, बिल्कुल, ठीक है, इसको बोलते हैं अवेक. ही वॉज अवेक, क्वाइट अवेक, बहुत अच्छे से अलर्ट था, ठीक है, किसी चीज के लिए बहुत ही जागरूक रहना, उसको बोलते हैं अवेक, जगना, ठीक है. देन अवेक की जो और टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, सेकंड और थर्ड, वो है अवोक, अवोकन, अवेक, अवोक, अवोकन. ओके, देन बीट, बीट का मतलब हराना भी होता है, बीट का मतलब पीटना भी होता है. ओके, डोंट बीट दर्शील, डोंट बीट दर्शील, डोंट बीट, यू आर बीटिंग समवन, सी, very fine example of the word beat. okay, दर्शील बहुत अच्छी example मिल गई मेरे को beat की, ठीक है. beat का मतलब हराना भी होता है और beat का मतलब मारना भी होता है. okay, जैसे मैंने उसको beat किया, ठीक है, I will beat him, मैं उसको beat करूंगा match में, I will beat him in cricket match, मैं इसको cricket match में हराऊंगा. okay, then इसकी second form of beat और third form beaten. okay, second और फर्स्ट और सेकंड के स्पेलिंग सेम है और थर्ड में इसकी फॉर्म चेंज है. बिकम, बिकम का मतलब होता है
होना या कुछ बनना. ओके, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं. बिकम ओके मतलब बनना, कुछ होना या बनना, ठीक है. एंड बिकेम, बिकेम मतलब बन गया, ठीक है. ही वॉन्टेड, ही बिकेम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन गया. आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क ही बिकेम अ डॉक्टर, हार्ड वर्क करने के बाद वो डॉक्टर बन गया. ओके, देन बिकम. ओके, देन आपको पता है बिकम जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैज हैव हैड के साथ यूज करी जाती है. देन बिगिन, एट नंबर पे है बिगिन. बिगिन का मतलब शुरुआत होना, शुरू करना, ठीक है, शुरू करना, बिगिन, ठीक है. बिगैन, बिगन, ठीक है, बिगैन शुरू किया, ठीक है. बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन. ओके, सो कोई सेंटेंस आप मेरे को, सेंटेंस कोई ऐसा बताओगे बिगिन से, जैसे वेरी सिंपल मैं आपको वर्ड दे रही हूं, बिगिन, बिगिन, यस, बिगिन. पर चैट बॉक्स नहीं आ रहा मेरे सामने, मैंने चैट बॉक्स, यस, बिगिन, जस्ट ए मिनट बच्चे, कुछ चैट बॉक्स अब करने दो, पहले चैट बॉक्स चला गया मेरा. वेट, आई विल स्टॉप शेयरिंग फर्स्ट, देन. यस यस, बिगिन. आई विल बिकम अ गर्ल. यू आर अ गर्ल बच्चे समृद्धि. आई बिगिन टू रन एंड डांस, वेरी नाइस. मैंने डांस और वो करना शुरू कर दिया, रन करना शुरू कर दिया. यस, वेरी नाइस. ओके, टुडे आई बिगिन दिस चैप्टर, आई विल बिगिन दिस चैप्टर. यो, टुडे आई बिगिन दिस चैप्टर. बेटा थोड़ा सा दर्शील इसकी, थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन चेंज करो. ओके, चलिए, वेरी नाइस, गुड आंसर. यस, आई हैव अ क्वेश्चन. वेट हर्षिता, वेट, आफ्टर दिस क्लास यू विल बी गिवन द टाइम. ओके, यस, अप टू एट वी हैव डन. नेक्स्ट, देन नेक्स्ट इज, यस, बेंड एट नंबर 9. बेंड, बेंड का मतलब झुकना. बेंड, बेंट, बेंट, बेंड का मतलब झुक गया, ठीक है. बेंड का मतलब झुकता है, बेंड का मतलब झुक गया. ओके, देन 10 नंबर पे है बाइंड. बाइंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है. प्लीज गिव मी सम ग्लू टू बाइंड माय बुक, मेरी बुक को जोड़ने के लिए कुछ गम दो, ठीक है. बाइंड, ठीक है, बाइंड का मतलब जुड़ना. बाइंड, बाउंड, बाउंड, ठीक है. आई बाउंड द बुक, मैंने बुक को जोड़ दिया. आई वॉन्ट टू बाइंड द बुक, मैं बुक को बाइंड करना चाहती हूँ. आई बाइंड द बुक, मैं बुक को बाइंड करती हूँ. ओके, इज माई, अमनदीप कौर, इज माई वॉइस क्लियर? जस्ट शो मी थम्स, यस, ओके. एक्चुअली सम स्टूडेंट हितांशी सूद इज आस्किंग दैट माई वॉइस इज नॉट क्लियर, दैट्स वाई आई आस्क यू. थैंक यू बच्चे. ओके, सो देन बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना. ओके, वर्ब, एज अ वर्ब, ठीक है. बाइट नाउन भी होता है, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली वर्ब्स, ठीक है. बाइट का मतलब होता है कट करना, टीथ से किसी चीज को कट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइट. ओके, आप कभी कभी बोलते हैं ना आपके छोटा भाई बहनों को, आप मम्मा बोलते, मम्मा इसने बाइट कर दिया मेरे को. बाइट मतलब टीथ से किसी चीज को कट करना, दैट इज कॉल्ड बाइट. और बाइट का जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज बिट. ओके, बाइट, बिट, और थर्ड फॉर्म जो है उसकी बिटन, बिट. ओके, द डॉग बिट मी, बाइट मी डेली नहीं करता है वो, द डॉग बाइट मी तनवीर को डेली नहीं करता है. ओके, द डॉग बिट मी, मेरे डॉग ने मेरे को काट लिया. ओके, ओके, यस, डॉग और डॉग बाइट द पीस ऑफ रोटी या पीस ऑफ चपाती, ठीक है. डेली डॉग को चपाती देते हो, डेली डॉग उसको बाइट करता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट नंबर 12 पे है ब्लो. ब्लो का मतलब मूवमेंट ऑफ हवा भी होती है, हवा की मूवमेंट को भी हम ब्लो कहते हैं. और हवा की मूवमेंट से किसी चीज का मूव होना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लो, ठीक है. जैसे आई ब्लो द कैंडल, मैं कैंडल को फूंक मारती हूँ, ठीक है. ब्लो, फूंक क्या होता है,
हवा की मूवमेंट, हवा की मूवमेंट से जो वो उसकी जो होती है वो आग जो होती है वो बुझ जाती है. ठीक है, आई ब्लो द कैंडल. ठीक है, माई हैट ब्लोज ड्यू टू हैवी विंड. मेरी मेरा हैट जो है वो उड़ जाता है हैवी विंड से. ठीक है, सो ब्लो क्या होता है, हवा का चलना भी ब्लो बोलते हैं, और हवा के साथ किसी चीज की मूवमेंट होना भी ब्लो कहा जाता है. और सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्लो की है ब्लू, ब्लो ब्लू ब्लोन. ओके यस, नंबर 13 पे है ब्रेक. वेरी इजी, ब्रेक मतलब टूटना, टूट जाता है, टूटना. ठीक है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकर. सो इसका आई थिंक आई वॉन्ट अ सेंटेंस फ्रॉम योर साइड फॉर दिस वर्ब ब्रेक. ब्रेक ब्रेक यस, द मैसन ब्रेक्स द, यस ब्रेक्स द स्टोन्स, या कुछ ऐसा कर लो. ठीक है, यस आई ब्रोक द पॉट, मैंने पॉट तोड़ दिया. वेरी नाइस, ही ब्रोक माई टॉय. ठीक है, माई लिटल सिस्टर ब्रेक एवरीथिंग, ब्रेक एवरी टॉय. मेरी लिटिल सिस्टर सारे टॉयज तोड़ देती है, तोड़ती है. दिस इज द यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, तोड़ती है, छोटी सी सिस्टर है किसी की और वो तोड़ देती है. ठीक है, जनरली यूजली तोड़ती है. ठीक है, ब्रोक मतलब तोड़ दिया. ही ब्रोक माई टॉय, ही ब्रोक माई टॉय, या आई ब्रोक माई टॉय, लाइक दिस एज यू आर राइटिंग. मान्य प्लीज सेंड योर मैसेजेस डायरेक्टली टू मी. ओके चलिए, ब्रिंग, ब्रिंग का अभी लेट मी चेक. यस ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना. ठीक है, किसी चीज को लेकर आना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग. एंड ब्रॉट, बेटा यहाँ पे ब्रॉट के स्पेलिंग सी, यहाँ पे थोड़ा सा. ओके ब्रॉट, ओके ब्रिंग, ब्रॉट ब्रॉट, बी आर ओ यू जी एच टी, ब्रॉट ब्रॉट मतलब लाया. ठीक है, माई फादर ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट्स फॉर मी ऑन माई बर्थडे, मतलब ये हर साल यूजली आपके पापा आपके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, ब्रिंग्स. ओके ब्रॉट, माई अंकल ब्रॉट अ टॉय ऑन माई बर्थडे, मेरे अंकल एक टॉय लेकर आए, आए थे जलाकर दिया था, जलाए थे. ठीक है, लेकर आए थे, जलाए थे. ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म. ओके थर्ड फॉर्म का मैंने सबका तो नहीं बताया, बट इसका जैसे ही हैज ब्रॉट अ नाइस गिफ्ट फॉर मी, वो मेरे लिए नाइस गिफ्ट लेकर आया है. सो वॉट इज द यूज ऑफ थर्ड फॉर्म, दैट विल बी क्लियर टू यू इन द हायर क्लासेस. ओके देन नंबर 14, नंबर 15 भी है बिल्ड. बिल्ड मतलब बनाना. ओके मैसन बिल्ड्स द वॉल, मैसन जो होते हैं मतलब मजदूर जो होते हैं ना, जो मतलब बनाते हैं वॉल्स वगैरह बनाते हैं, उनको मैसन बोलते हैं. ठीक है, मैसन बिल्ड्स द वॉल, मैसन वॉल्स बनाता है. ओके बिल्ट, बिल्ट बिल्ट बिल्ट, बिल्ट मतलब बनाया था. ओके ही बिल्ट अ ब्यूटिफुल कासल, उसने बहुत ही सुंदर एक महल बनाया, ब्यूटिफुल कासल. जस्ट वेट बच्चे. यस ओके देन बर्न, बर्न का मतलब जलना, बर्न का मतलब जलना, बर्न का मतलब जलाया जा, बर्न 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 बर्न, दो तरह से होता है, बर्न 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 बर्न, दोनों तरह से ये ठीक है. ओके बर्न, द फायर बर्न्स, आग जलती है. द फायर बर्न द हाउस, फायर ने घर जला दिया. ओके सो दिस इज अ डिफरेंस ऑफ बर्न एंड बर्न्ड. ओके यस देन नेक्स्ट आपका है 17 नंबर पे है बर्स्ट. बर्स्ट का मतलब फूट जाना, एकदम से किसी चीज का ब्रेक हो जाना, फूटना, जैसे पटाखे बर्स्ट होते हैं ना. ठीक है, पटाखे बर्स्ट होते हैं, द क्रैकर्स बर्स्ट. ठीक है, क्रैकर्स जो फूटते हैं. ठीक है, सो इसकी तीनों फॉर्म से बर्स्ट 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 ही आता है. ओके बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, तीनों सेम है, वेरी इजी टू लर्न. ओके देन बाय, बाय का मतलब खरीदना. ठीक है, एंड बॉट का मतलब खरीदा, बाय बॉट बॉट. माय मदर बायस वेजिटेबल्स फ्रॉम द शॉप डेली, डेली वेजिटेबल शॉप, वेजिटेबल शॉप से वेजिटेबल्स खरीदती हैं. बायस ओके
बॉट खरीदा, आई बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस यस्टरडे, मैंने कल एक ब्यूटिफुल ड्रेस खरीदी. ओके द फायर इज बर्निंग माई हाउस, ओके वेरी नाइस. ये आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, आपको ये भी यूज, आई नो वेरी वेल कि आपको ये यूज आता है, वेरी नाइस ऑफ यू. देन सॉरी, देन है केयर, केयर का मतलब देखभाल करना. ओके आई केयर फॉर माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की देखभाल करती हूँ, केयर्ड, मैंने अपने पेरेंट्स की देखभाल करी. ओके बेटा प्लीज, साहिबवीर, अगर आपको ऐसे ही बच्चे लिखना है तो आप क्यों पढ़ रहे हो बच्चे? ओके हॉट व्हील सेट फॉर मी, वेरी नाइस स्टूडेंट्स, आई एम गेटिंग सो मेनी सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ब्स. यस आई बर्स्ट क्रैकर्स ऑन दिवाली, वेरी नाइस तनवीर कौर, वेरी गुड एफर्ट्स. ओके देन केयर्ड मतलब देखभाल करी, केयर्ड केयर केयर्ड केयर्ड. देन नंबर 20 पे कैरी, कैरी का मतलब उठाना, ठीक है. आई कैरी दिस बुक, मैं ये बुक उठाती हूँ, ठीक है. आई कैरीड अ बंडल ऑफ बुक्स यस्टरडे, मैंने एक बंडल ऑफ बुक्स उठाया. कैरी का मतलब कुछ भी कैरी करना. आई कैरी हैवी बैग्स टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल हैवी बैग लेके जाती हूँ, ठीक है. वेट जसलीन कौर, जस्ट वेट बच्चे, आफ्टर दिस क्लास आई विल अनम्यूट यू. ओके देन कास्ट, कास्ट का मतलब है किसी चीज की अपीयरेंस लाना, ठीक है, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, जैसे कास्ट किसी चीज की एंट्री, न्यू एंट्री करना, जैसे किसी मूवीज में क्या होता है, हीरोज को कास्ट करते हैं, ठीक है. आपने यू मस्ट हैव सीन दिस, यू मस्ट हैव लिसन टू दिस सेंटेंसेस, इसमें इस हीरो को कास्ट किया गया है. कास्ट मतलब एकदम से न्यू एंट्री किसी की होना, दैट इज कास्ट, ठीक है, कास्ट कास्ट कास्ट. ओके जैसे कोई भी जैसे हीरोइन है, जैसे आई एम नॉट वेल फेमिलियर विद हीरोइंस नाउअडेज, मतलब मेरे को पता नहीं है इतनी हीरोइंस, आई डोंट हैव एन इंटरेस्ट इन मूवीज, दैट्स व्हाई. बट ऐसे इस हीरोइन को कास्ट किया गया, मतलब उसकी एंट्री, पहली एंट्री, बिल्कुल न्यू एंट्री उसकी डाली गई, ठीक है. कास्ट कास्ट कास्ट, ये तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब सेम ही होंगी, वेरी इजी टू लर्न. देन कैच, कैच का मतलब पकड़ना. ओके ठीक है, कैच कॉट कॉट. ओके कैच का मतलब पकड़ना, कॉट का मतलब पकड़ा. आई कॉट द बॉल, मैंने बॉल पकड़ी, ठीक है. द पुलिसमैन कैच, द पुलिसमैन कैच द थीव्स, पुलिस वाले, पुलिसमैन जो हैं वो थीव्स को पकड़ते हैं. कैच द थीव्स, यस तान्या अग्रवाल, पुलिस कैचेस द थीव्स, वेरी नाइस. पुलिस थीव्स को कैच करती है, पकड़ती है, वेरी नाइस. पुलिस कॉट अ थीफ यस्टरडे, कल पुलिस ने एक थीफ को पकड़ा. ओके देन चेंज, चेंज का मतलब बदलना, चेंज्ड. आई वॉन्ट टू चेंज, मैं बदलना चाहती हूँ. आई चेंज्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बदल लिया. ओके आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को बदल चुकी हूँ. ओके सो बेटा, वेन एवर आई एम ट्रांसलेटिंग अ सेंटेंस इन हिंदी, ठीक है, जब हिंदी में आपको मैं सेंटेंस चेंज करती हूँ, तो उसको माइन्यूटली आपने देखना है, उसका क्या डिफरेंस है. जो मैं हिंदी में सेंटेंसेस बोलती हूँ, यू विल सी द डिफरेंस ऑफ सेंटेंसेस. ओके देन चूज, चूज का मतलब सिलेक्ट करना. चूज का मतलब क्या है, सिलेक्ट करना. टाइम इज रनिंग आउट, फटाफट से करवाएं जरा. चूज का मतलब सिलेक्ट करना, चूज चूज चूजन. ओके यस नेक्स्ट है आपका, फटाफट से करवाएं. कम, कम का मतलब आना. कम केम कम, वेरी क्लियर टू यू. कंपेयर, कंपेयर का मतलब है तुलना करना, ठीक है, कंपैरिजन करना, ठीक है, तुलना करना, ठीक है. कंपेयर कंपेयर्ड, ओके कंपेयर कंपेयर्ड कंपेयर्ड. चलिए ये थोड़े स्पेलिंग ऐसे हैं, मैं ठीक करके भेज दूंगी, ठीक है. चलिए इसके बाद है, वेट, चलो बाद में बेचे ठीक करके भेज दूंगी मैं, ठीक है. चलो कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब जारी रहना, जारी रहना. कंटिन्यूड कंटिन्यू, ठीक है. जैसे हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, अगले सेम पढ़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, में ये चैप्टर मैं जारी रखूंगी. ओके ठीक है, किसी चीज का चलते रहना, कंटिन्यू कंटिन्यूड कंटिन्यूड. कॉपी, कॉपी का मतलब नकल करना. कॉपीड कॉपीड, ही कॉपीड मी, उसने मेरे को कॉपी किया, मेरी नकल करी. ओके
कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब किसी चीज की वैल्यू लगना, कॉस्ट। जैसे दिस बुक कॉस्ट रुपीज 150, इस बुक का जो वैल्यू है, इस बुक का रेट जो है 150 है, दिस बुक कॉस्ट रुपीज 50, ओके। देन क्रीप, क्रीप मतलब रेंगना, क्रीप का मतलब रेंगना। ऐसे जब छोटे छोटे बेबीज होते हैं ना, वो जब ऐसे जमीन पे चलते हैं तो उसको बोलते हैं क्रीप करना, ओके, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। देन क्रो, अब ये वर्ड है क्रो, क्रो ऐसे तो एक एनिमल लगता है, लेकिन क्रो क्या है, क्रो है कि सॉरी बर्ड है, क्रो यहाँ पे क्रो वर्ब है, मतलब क्रो की तरह ऊंची ऊंची बोलना, मतलब अपना टू बोस्ट समथिंग, मतलब किसी के बारे में अपनी ढींगे हाँकना कि मैं ये हूं, मैं ऐसे करता हूँ, सबको जोर जोर से जाकर बताना, दैट इज कॉल्ड क्रो, क्रो, क्रोड, क्रोड, न्यू वर्ब है आपके लिए ये, ठीक है। देन क्राई, क्राई का मतलब रोना, रोता है, रोया, रोया, ठीक है, क्राइड, क्राई, क्राइड, क्राइड, ओके। सो स्टूडेंट दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नाउ वेरी क्विकली वी विल डू द पिक्चर कॉम्पोजिशन ऑल्सो, ओके। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ओपन पेज नंबर 62 ऑफ योर रीडर बुक्स, ओके। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग नाउ। रीडर बुक्स पेज नंबर 62, बी फास्ट बच्चे, ओनली 7 मिनट्स आर लेफ्ट, ओके, बी फास्ट। वी विल डू द पिक्चर कॉम्पोजिशन। वॉट इज पिक्चर कॉम्पोजिशन? मीन्स यू हैव टू राइट सम लाइन्स फॉर द पिक्चर, ओके। पिक्चर को कंपोज करना रिटर्न में, ओके, पिक्चर कॉम्पोजिशन इन रिटर्न, ओके। यू विल टेल मी वॉट डू यू सी इन दैट पिक्चर, वॉट इज द बेस्ट वे। पहले उसको पिक्चर को ध्यान से देखो, ओके, फिर उसके बारे में आप माइन्यूटली देखो उसकी क्या क्या उसके अंदर चीजें हैं, फिर आप उस चीज से क्या फील करते हो। यू विल शेयर ऑल योर फीलिंग इन द रिटर्न फॉर्म, ओके। प्लीज सेंड योर मैसेजेस डायरेक्टली टू मी, यस, यस। हैव यू ओपन दैट पेज, पेज नंबर 62? आई एम गोइंग टू हाइड दिस बिकॉज आई हैव रिटर्न हियर समथिंग, यस, ओके। दिस इज अ सीन ऑफ हाईवे, माहिराज हैज रिटन, देर आर मैनी व्हीकल्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके, वेरी नाइस। पेज नंबर 62, भूमिका, आई कैन सी मैनी व्हीकल्स इन द पिक्चर, ओके, आई कैन सी ज़ेब्रा लाइंस, ज़ेब्रा, ओके, नॉट ज़ेब्रा, इट्स ज़ेब्रा लाइंस, वेरी नाइस। You can see, I can see zebra lines, there is a sea, very nice, there are many cars, Harshika, there are many cars, okay, so four sentences we have got, yes, I can see many vehicles, but you will not write like this, I can see, okay, what do you see, okay, it's so, it's very good, ki I am telling you, okay, what do you see, I can see, no, there are, okay, what do you see there in the picture, okay, see, yes, this is a scene of highway, very nice, Mahiraj, this is a scene of highway, here are many vehicles on the highway, okay, many vehicles are there, zebra crossing is there, a sea is also there near the road, okay, the road is on the side of the sea, aise bhi was on the bank of the sea bhi bol sakte ho, okay, there is a beetle in the in a highway, okay, yes, I can see many car, I can see the, there is a sea near the road, very nice, there is a beetle car on the highway, okay, बच्चों को कैसे पता है beetle car की कौन सा car, there is a zebra crossing, very nice, so students I think you are quite capable of writing, very nice, there is one tree, very nice, there is one tree in the picture, the all the vehicles are moving in a single direction, Ashita, yes, I can see zebra lines, I can see two trucks, there is a tree, there is a zebra crossing, yes, there is an ambulance, okay, an ambulance, okay, there are two trees, very nice, students, very good of you, very good of you. So student, this is all about picture composition. Now what will you do? You will write this picture composition in your notebook, okay, got it everyone? Show me your thumbs if you have got this, show me your thumbs. There is one coconut tree, very nice, very nice, okay, whatever you see now, just show your feelings on the notebook by writing, okay. Is everything clear to you for in today's teaching? Is everything clear to you everyone? Show me your thumbs.
I'm not able to see your thumbs. Riddhi, you are thinking something. Riddhi Anand, is everything clear to you? You're not, your thumb is not visible. Yes. Okay, so now you can clear your queries. Thank you.